दोस्तों ड्रैगन बॉल कैनन में बहुत सारे सुपर सैन फॉर्म्स हैं, पर दोस्तों कुछ सुपर सैन फॉर्म फैन फिक्शन में आते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 फैन फिक्शन सुपर सैन फॉर्म्स के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ड्रैगन बॉल कैनन में हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के सुपर सैन फॉर्म्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे सुपर सैन फॉर्म्स भी हैं जो कि दोस्तों सिर्फ हमें फैन फिक्शन में ही देखने को मिल सकते हैं। हम ज्यादा करके कैनन की चीज को ही कवर करने का कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों आज थोड़ा फैन फिक्शन को कवर करने का ट्राई करते हैं जो कि दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 सुपर सैन 5। दोस्तों अगर देखा जाए तो ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री में सुपर सैन 5 मोस्ट पावरफुल फैन मेड ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन बॉल एएफ फैन सीरीज से है जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। यहाँ इंटरेस्टिंग वाला बात यह है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है। ओरिजिनली देखा जाए तो ये फॉर्म में सिर्फ गोकू ही आ सकता था जो कि दोस्तों पिकन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ ये फॉर्म के बारे में ये भी पता चला था कि ये फॉर्म को कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल था, और साथ में अपनी इच्छा के हिसाब से ट्रांसफॉर्म होना भी मुश्किल था। और दोस्तों देखा जाए तो ये एक बहुत ही पॉपुलर फैन मेड ट्रांसफॉर्मेशन था। अभी दोस्तों नंबर 9 पे आता है सुपर सैन पर्पल। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो सुपर सैन 5 की तरह इस फॉर्म को सिंगल ड्रैगन बॉल फैन फिक्शन में लाया जा सकता है, पर फिर भी ये फॉर्म ड्रैगन बॉल फैन फिक्शन कम्युनिटी में इसके नए लुक की वजह से बना हुआ है। ये ट्रांसफॉर्मेशन वेजिटा, गोकू और बड्डो के द्वारा यूज किया जा चुका है। एक्चुअली में अगर हम ये फॉर्म का देखें तो ये सुपर सैन 4, सुपर सैन गॉड, कायोकेन टाइम 50 और दोस्तों अनमास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म का फ्यूजन है। लास्टली दोस्तों ये फॉर्म का पावर मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट के पावर के बराबर का होता है। अब इस बार 8 पे आता है अल्टीमेट गॉड। दोस्तों ये एक ऐसा फैन मेड फॉर्म में से एक है जो कि दोस्तों फैन फेवरेट गोहन के लिए है। जब गोहन फाइनली सुपर सैन गॉड फॉर्म अचीव किया था और जब ओल्ड काई भी इसके फॉर्म को फिर से अनलॉक किए थे, तब ये अल्टीमेट गॉड गोहन में चेंज हो गया था। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना पावरफुल था कि इसके वजह से गोहन एक्चुअली गॉड का सामना कर सकता था। ये फॉर्म में ऐसा लगता था कि गोहन अपने पिता गोकू और वेजिटा से भी ज्यादा पावरफुल था। लास्टली दोस्तों ये सुपर वेजिटा को एब्सॉर्ब करने के बाद भी ये सुपर बू को आसानी से डिफीट कर दिया था। अब इस वर्ष 7 पे आता है डिवाइन सुपर सैयन। दोस्तों जैसे अल्टीमेट गॉड फॉर्म गोहन के लिए था, वैसे डिवाइन सुपर सैयन फॉर्म पूरी तरीके से सीरीज का प्रोटैगनिस्ट गोकू का था। गोकू ये फॉर्म में तभी पहुंच सकता था जब वो सुप्रीम काय और सुपर सैयन से मिला हुआ पावर को मिक्स कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों गोकू गॉड की में एक्सपीरियंस होने की वजह से वो इस फॉर्म में मास्टर हो गया था, और इसके वजह से गोकू अपने सुपर सैयन गॉड ब्लू फॉर्म के जगह में अपना ये फॉर्म को लाया था। गोकू ये फॉर्म को गैलेक्टिक पेट्रोल सगा के एंड में अनलॉक किया था। अभी इसमें 6 पे आता है सुपर सैयन 6। दोस्तों इसमें कोई भी शक नहीं है कि सुपर सैयन 6 या तो अल्टीमेट सुपर सैयन 5 से ऊपर का है। ये कहा जाता है कि ये फॉर्म को तभी पाया जा सकता है जब कोई कैरेक्टर सुपर सैयन गॉड फॉर्म में पहुंच जाए। इससे ही एक सैयन का ट्रू पावर का पता चलता है। यहाँ पर दोस्तों ये फॉर्म का इतना पावर है कि इससे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे गॉड्स को आसानी से हराया जा सकता है। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो ये फॉर्म सुपर सैयन 4 और सुपर सैयन 5 की तरह दिखता है, लेकिन दोस्तों इसका कलर थोड़ा अलग होता है, यानी गोल्डन कलर का होता है। लास्टली कहीं ना कहीं ये कलर ओरिजिनल सुपर सैयन 1 के तरह ही था। अब इसमें 5 पे आता है स्पेक्ट्रल सुपर सैयन। दोस्तों ये सुपर सैयन फॉर्म पूरी तरीके से की कंट्रोल के आर्ट के ऊपर निर्भर करता है। जब यूजर अपना फिजिकल स्ट्रेंथ खोने लगता है, तब ये फॉर्म की वजह से यूजर बहुत ही ज्यादा मेंटल और की बेस्ड पावर गेन करता है, और दोस्तों इसी की वजह से इसके पास फुल की कंट्रोल पावर आ जाता है, और इस चीज को ये बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकता है जिससे वो बहुत ही फास्ट या तो इफेक्टिव हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम नोटिस करें तो अभी तक ये फॉर्म को सिर्फ एक फ्यूजन कैरेक्टर ही यूज कर पाया है, और दोस्तों वो सिर्फ वेजिटा ही है जो कि दोस्तों गोकू और वेजिटा का फ्यूजन है। लेकिन दोस्तों ये अभी तक रिवील नहीं हुआ कि ये फॉर्म को गोजिटा हासिल कर सकता है या नहीं। अभी दोस्तों नंबर 4 पे आता है सुपर सैयन 9। दोस्तों अगर सुपर सैयन 9 एक बार अनलॉक हो जाए तो ये कहा जाता है कि सभी दूसरे सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन के मुकाबले ये फॉर्म ज्यादा देर तक रहता है।
यहाँ पर अगर इक्सियन सुपर सेंस 7 तक पहुँच जाता है और अपने से ज्यादा पावरफुल ऑपरेंट को हरा देता है तो वो डायरेक्टली सुपर सेंस 9 में जा सकता है। यहाँ पर गोकू ही वो कैरेक्टर था जो कि मार्जिन सैडन को हरा के सुपर सेंस 9 फॉर्म तक पहुँच गया था। ये फॉर्म गोहन को रोकने के लिए यूज किया गया था जब गोहन सुपर सेंस 8 फॉर्म के जरिए तहलका मचा रहा था। लास्ट दोस्तों वेजिटा भी मार्जिन पोरुंगा को हरा के सुपर सेंस 9 तक पहुँच गया था। अब इस थ्री पे आता है सुपर सेंस 10। दोस्तों सुपर सेंस 10 कमन कोल्ड के डिजाइन की तरह लाया गया था। ये डिजाइन की वजह से फैंस भी उलझन में पड़ गए थे, लेकिन दोस्तों फिर भी ये फॉर्म को फैन फिक्शन में दिखाया जा रहा था। ये फॉर्म को वही सुपर सेंस के द्वारा अचीव किया जा सकता है जो सुपर सेंस 9 के रिक्वायरमेंट को पा लिया हो। एक्चुअली में इसके प्रीवियस फॉर्म के हिसाब से देखे तो सुपर सेंस 10 फॉर्म का हेयर को छोटा कर दिया गया था। और दोस्तों देखा जाए तो अगर कोई भी सेन इस फॉर्म में आ जाता है तब वो बहुत ही भारी हो जाता है। अब इस वक्त 2 पे आता है ज़ेनो गोकू। दोस्तों ज़ेनो गोकू गोकू का एक नया परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। गोकू ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़ेनो के साथ अचीव किया था। ये ट्रेनिंग सेशन में गोकू ज़ेनो का कुछ एनलाइटमेंट के साथ होता है जिसके एक्सपेक्ट और पर्सनैलिटी से गोकू इफेक्ट हुआ था। गोकू ये फॉर्म में पूरी तरीके से पॉजिटिवनेस में रहता है और किसी में भी पॉजिटिव वे में रिएक्ट करता है। दोस्तों ये फॉर्म में गोकू प्लैनेट को बचाना चाहते रहता है और जो उसको चाहिए वो उसको प्रोटेक्ट करते रहता है। लास्ट दोस्तों ये फॉर्म की वजह से गोकू का गॉड की चला जाता है, लेकिन दोस्तों इसके बदले गोकू को ज़ेनो का की मिलता है जिसकी वजह से दोस्तों ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है अल्ट्रा मास्टर्ड सुपर सैयन। दोस्तों ये ट्रांसमिशन भी और एक फॉर्म है जो कि दोस्तों अभी रिसेंटली फैन फिक्शन ट्रांसमिशन में लाया गया था। ये फॉर्म को अचीव करने के लिए एक सैयन को पहले सुपर सैयन 4 तक पहुंचना पड़ेगा और फिर सुपर सैयन गॉड अचीव करना पड़ेगा। इसके बाद फिर इन दोनों को मिक्स करने से ये फॉर्म अनलॉक होता है। ये फॉर्म को सैयन मास्टर के हिसाब से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर गोकू और वेजिटा ही वो पहले कैरेक्टर थे जो कि दोस्तों ये फॉर्म को अचीव किए थे, क्योंकि दोस्तों वो दोनों गोल्डन सेल को डिफीट कर सके। ये फॉर्म तभी अनलॉक हुआ था जब दोनों ही सुपर सैयन 4 और सुपर सैयन गॉड में आके दोनों फॉर्म को मिक्स कर दिए थे। और दोस्तों इसके बाद ये फॉर्म को गोहन, ट्रंक्स और फ्यूचर गोटेन भी सीखे थे। और दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल सुपर सैयन फॉर्म है। तो दोस्तों यही था टॉप 10 फैन फिक्शन सुपर सैयन फॉर्म्स के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।